हेलो एवरीवन, कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता। उसके लिए मैंने 5-6 बैगन लिए हैं, तो ये लंबे बैगन हैं। आपने पहले भी मेरी चैनल पे पढ़ चुके हैं, लेकिन वो मैंने गोल बैगन का बनाया था। और एक पुत्थी मैंने लहसुन की ली है। अब मैंने इसमें लंबे लंबे कट लगा के इस तरीके से लहसुन को मैंने छील के रख लिया है अच्छे से, देखिए। और जितने भी लहसुन इसमें आएगा, गहरे गहरे कट लगाए हैं, दो दो कट लगाए हैं, एक बैगन में दो दो तीन तीन कट लगाए हैं, तो एक बैगन में अच्छे से इसमें मैं लहसुन को अंदर तक भर लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने लहसुन को अंदर तक भर लिया है। इसी तरीके से आप लहसुन को अंदर तक भरिए। इसी तरह मैं देखिए सारे बैगन में कट लगा के कर लेती हूँ। कुकर में मैंने एक ग्लास पानी डाल दिया है और इस तरह से लहसुन जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ही मज़े की लगेगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल सी बनने वाली है, बहुत ही इंस्टेंट। इसमें कोई लंबा टाइम नहीं है, ना भूनना ना कुछ पकाना, बहुत ही ईजी सी बनने वाली रेसिपी है ये। बस देखिए मैंने दूसरे बैगन में भी भर लिया है पानी के साथ इस तरीके से। अब इसी तरह मैं और भी सारे बैगनों में कट लगा के भर लूंगी। इसमें डाल रही हूँ मैं 2 आलू, 2 टमाटर और ये है मटर की फलियाँ। बोलने हमने रखो, बस बताती हूँ आगे आपको और कैसे स्टीम में हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं। तो एक एक करके हम सारे अपने बैगनों को निकाले लेते हैं। सारे बैगनों को निकाले ले रहे हैं और इनको ठंडा होने तक इनको रखेंगे एक बर्तन में। और नीचे का जितना भी हमारा सामान बचा है उसको हम स्टेनर में डाल के छोड़ देंगे ताकि उसका पानी सब निचड़ जाए। इसको छान के लाते हैं। देखिए बैगन बिल्कुल गरम गरम है, लेकिन बहुत अच्छे से स्टीम में ये हो गए। अभी गरम है लेकिन इनको थोड़ा सा ठंडा करके इनको छीलते हैं, क्योंकि हाथ भी चल रात में गरम है, थोड़ा सा ठंडा होंगे। इस तरह से जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं। और देखिए हमारे यहाँ छिलके भी कितने हैं, टमाटर के छिलके भी कितने आसानी से हमारे उतर गए हैं, बहुत इजी से कट लगाने से। अब इनको मैश कर लेते हैं स्पून की मदद से, इनको मैश कर लेते हैं। आप मैशर की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छा, आलू आपकी मर्ज़ी, अगर आपको आलू मोटे पसंद है तो आप मोटे रखें, और आपको अगर बारीक पसंद है तो आप बारीक मैश कर लें वैसे। इनको देखिए अच्छे सब लहसुन भी सब इतना अच्छे से मैश हो जा रहा है। देखिए हमारा ये सारा कुछ मैश कर लिया। अब इसमें हम डाल रहे हैं 3 से 4 है हरी मिर्चें, इनको बारीक बारीक कट कर लिया था। ये थोड़ी तीखी वाली है तो इसलिए हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आधे इनका टुकड़ा था अदरक का, इसको हमने इस तरह से, और एक मुट्ठी धनिया था तो उसको हमने आधा डाल लिया है। पुदीना था थोड़ा सा, कि पुदीना तो बड़ा, क्योंकि ये है ना बैगन से भी कई बार ना गैस बन जाती है पेट में, तो इसलिए मैंने इसमें पुदीना भी डाला है। और देखिए हर घर में प्याज होती है, तो प्याज कई बार बास्केट में रखी रखी उपज भी जाती है, तो ये मेरी प्याज भी उपज गई थी, तो मैंने उसका भी पार्ट वेस्ट नहीं किया, उसको भी कट कर लिया। ये 2 प्याज को कट किया मैंने, मोटे से ऑमलेट कट कर कर लिया था, वो मैंने आधी से ज़्यादा प्याज को इसमें डाल दिया, थोड़ा सा मैंने बघार के लिए बचा लिया। इसमें मसाले बहुत ही कम मसालों में मैं बना रही हूँ, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, बस बहुत हल्के से मसाले। 1 चम्मच डाल रही हूँ पिंक सॉल्ट, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच और ये मेरे पास मटर मेरी बॉयल में रखी थी, इसको भी इसमें मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। शानदार सा भरता हमारा अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको,
ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से बैठ जाएं। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली बैंगन का भरता है। देखिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब हमने सरसों के तेल में बना रहे हैं, तो हमने एक चम्मच भर के सरसों का तेल डाला है इसमें। आधा चम्मच डाल रहे हैं अजवाइन, आधा चम्मच जीरा और एक पिंच डाल लिए हैं इसमें हींग। हींग जरूर डालिएगा, बैगन खाने की, बैगन की सब्जी या बैगन खाने से भी गैस हो जाती है, तो उसमें बहुत ही फायदेमंद रहेगी हींग डालना। और जो बची हुई प्याज थी वो प्याज में भी प्याज भी डाल रही हूँ। इसका मैं बघार लगा रही हूँ। अगर आपको बघार नहीं लगाना है तो आप उसी में सब कुछ मिक्स करके भरते में उसमें भी आप कच्चा तेल डाल सकते हो, तो वो भी बहुत ही मज़े का लगेगा। और सारा कुछ डाल के आप ऐसे ही कढ़ाई में उसको थोड़ा सा चला सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। इस तरीके से बनता है भरता। जैसे अगर आपके इलाके में भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से बनता है। इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच ये हल्दी, थोड़ा सा कलर के लिए डाल रही हूँ, कलर बहुत अच्छा आता है हल्दी से। आप चाहें तो बनते में मिला सकते हैं वैसे हल्दी। दोनों तरह से मैं आइडिया आपको दे रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह डालें और आप चाहें तो मिलाते में ही जब भरता मिला रहे हैं तब हरी डाल दें। अब दो हरी मिर्च और डाल रही हूँ इसमें मैं, और इसका कच्चापन हल्दी का दूर होने तक इसको थोड़ा चलाती हूँ और हमारी इतने प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ा सा इसको अच्छे से चलाते हैं। जो रॉ स्मेल है ना हल्दी की वो आएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसकी रॉ स्मेल भी चली जाएगी। बस अब भुरते को इसमें डालते हैं कि हमारा अच्छे से हल्दी बन गई है, पक गई है। तो अब भुरता इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाह करके। सारा भुरता अच्छे से इसमें डाले देते हैं। इसको भी 5 मिनट तक थोड़ा सा पकाते हैं। ताकि बघार का जो भी फ्लेवर है वो इसमें आ जाए अच्छे से। हम गैस करके इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। फ्रेंड्स बहुत झटपट बनने वाला है। आप इसको पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए या दाल चावल के साथ भी बहुत मज़े का लगने वाला है। दाल चावल के साथ भी भरता खाइए इस तरह का बैगन का, या खाली बैगन के भरते से भी चावल खाइए, बहुत ही मज़े का बनने वाला है। बस अब धनिया डाल रहे हैं बस, और सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे। बहुत ही शानदार सा हमारा बैगन का भरता तैयार है। इसी तरह बनाइएगा, घर वालों को खिलाइएगा। बस फ्रेंड्स सर्व कर रहे हैं, हमने एक बाउल ले ली है, सर्व कर रहे हैं इसमें बिस्मिल्लाह करके। अरे बनाइए, खिलाइए, घर वालों को पसंद आता है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। इसको गार्निश कर रहे हैं हरे धनिए से और हरी मिर्चों से। इंजॉय करिए। कमेंट्स में मुझे